देवियों सपनों देवियों सज्जनों, यह सौभाग्य भरा क्षण है और निवेदन करूंगा आप अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे क्योंकि अब समय है हम सब राष्ट्रगान में शामिल होंगे। आपसे निवेदन है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हों राष्ट्रगान के लिए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। निवेदन आप सभी से अपने स्थान पर विराजे। देवियों सज्जनों, आकाशवाणी की एक बहुत ही प्रतिष्ठित और पुराने स्मारक व्याख्यान माला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान 2023 के इस बहुत ही विशिष्ट आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच पधारे माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का आप सबके करतल ध्वनि के साथ बहुत ही सम्मान से भरी तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है ऐसी विभूति का। महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष रहे, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के प्रति कृतज्ञता के भाव के साथ आकाशवाणी ने सन 1969 में अपने इस प्रतिष्ठित स्मारक व्याख्यानमाला की शुरुआत की थी। तब से लेकर हर वर्ष राष्ट्रीय महत्व के तमाम अलग अलग समसामयिक विषयों पर यह व्याख्यानमाला आयोजित होती रही है और इसमें हम सबको इस बात का बहुत गर्व है कि इस देश के बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही सम्मानित और प्रख्यात विभूतियां, उनमें माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर कर्ण सिंह जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा जी, डॉक्टर कपिला वात्स्यायन जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, डॉक्टर भीष्म साहनी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, ऐसी बहुत सारी प्रख्यात विभूतियों ने इस श्रृंखला को अपने विचारों से समृद्ध किया, हम सबका मार्गदर्शन किया, हम सबको प्रेरणा दी है इस देश के प्रति समर्पित होने की और देश के लिए काम करने के लिए। और इसी क्रम में आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत का अभ्युदय, इस विषय पर आज अपना व्याख्यान देने के लिए भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का शुभागमन हम सबके बीच हुआ है। यह हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है, हम सबके लिए गर्व की बात है। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है आपका आकाशवाणी के इस रंग भवन में महोदय। इस कार्यक्रम में मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी की। इसके अलावा भारत प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गौरव द्विवेदी जी और आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता जी, इनका और आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन आप सभी का। मैं निवेदन करूंगा माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से और मंचासीन विभूतियों से कि वे अपने करकमलों से दीप प्रज्वलित करने के लिए पधारें। ये दीप हम सबके जीवन में, जो आकाशवाणी का अपना ध्येय है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबके जीवन में ज्ञान के, मनोरंजन की और सूचना के जो त्रिवेणी बहती है हमारे माध्यम से, वो पहुंचे जन जन तक और सबका कल्याण हो, इसी कामना के साथ।
इस कृपा के लिए, उनके स्नेह के लिए देवियों सचनों, मैं आप निवेदन करूंगा माननीय सचिव सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार श्री अपूर्व चंद्रा जी से कि वे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का स्वागत उन्हें एक शॉल भेंट करके करें इस अवसर पर। ये अवसर हम सबके लिए बहुत विशिष्ट है, बहुत विलक्षण है। आकाशवाणी के रंग भवन में उपराष्ट्रपति महोदय का शुभागमन और आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर उनका वक्तव्य, उनका व्याख्यान हम सबके लिए एक प्रेरणा बनेगा। इस अवसर पर मैं निवेदन करूंगा माननीय सचिव महोदय से कि वे शॉल भेंट करके माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का यहाँ आकाशवाणी के इस परिसर में और इस रंग भवन में उनके शुभागमन पर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और इसमें हम सब शामिल होंगे देवियों सचनों, अपने आप सबके सम्मान से भरी करतल ध्वनि के साथ। अब निवेदन प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गौरव द्विवेदी जी से कि वे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को स्मृति चिन्ह के रूप में ये चरखा हमारे देश में हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास का सुंदर एक स्वरूप है उसकी प्रतिकृति चरखे के रूप में। और आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक प्रिंसिपल डीजी डॉक्टर वसुधा गुप्ता जी से निवेदन है कि वे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को एक स्मृति चिन्ह और हैं, दरअसल ये हमारी पहचान है क्योंकि यही वो उपकरण है उसकी प्रतिकृति जिससे जन जन तक आकाशवाणी की वाणी जो है वो पहुंचती है, देश के करोड़ों लोगों तक पहुंचती है और लोगों के जीवन में बहुजन होता है, बहुजन सुखाए का संकल्प साकार होता है। तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का। और अब मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी से कि वे अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। आज के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति लेक्चर के में हमें उद्बोधन करने के लिए आए हुए माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री जगदीप धनखड़ जी का मैं ऑल इंडिया रेडियो प्रसार भारती और सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री जगदीप धनखड़ जी हमारे सूचना प्रसारण मंत्रालय से उनका विशेष प्रेम रहा है। जब भी हमने उनको कभी भी आमंत्रित किया है, चाहे वो मन की बात का 100th कॉन्क्लेव हो, चाहे हमारा कोई और कॉन्क्लेव हो, हमेशा ही उन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति हमें प्रदान करके और अपने मनोगत देकर हमारा मार्गदर्शन किया है। और आज भी आप सुनेंगे कि वो जब जो है हमारे मार्गदर्शन करेंगे और हमारे को बताएंगे आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत का अभ्युदय, तो उनका जो मनोगत है वो हमेशा ही एक बड़े रोचक रूप से अपने मनोगत को व्यक्त करते हैं। और उनका जो प्रदीर्घ अनुभव है 2019 से 22 के बीच में वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के स्वरूप में रहे, पहले 1990-91 में केंद्र सरकार में भी राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने अपने एक पद भूषित किया था और उसके बाद से प्रदीर्घ काल तक वो सुप्रीम कोर्ट में और बाकी हाई कोर्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर जिरह करते रहे। तो उनके अनुभव इतने प्रदीर्घ हैं कि हर चीज़ में उनको उनकी बात बड़ी गंभीर रूप से हमें लेनी चाहिए, जिसको वो पर वो बड़ा रोचक रूप से बताते हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे 1950 से 62 तक उन्होंने 12 वर्ष तक राष्ट्रपति पद भूषित किया और वो हमारे एक अकेले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने दो फुल टर्म्स अपने व्यतीत किए। और उन्होंने हमें सिखाया कि जो राष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं, जो शुरुआत के अंदर जब भारत की रचना हुई तब से उन्होंने ये नींव रखी कि इनको इंडिपेंडेंट और नॉन पार्टीसन होना चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स से परे होना चाहिए। और यही चीज़ आज तक चली आ रही है कि गवर्नर्स, उपराष्ट्रपति जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं उनको अलग पॉलिटिक्स से रखा गया है। ऑल इंडिया रेडियो माननीय राजेंद्र प्रसाद जी की जन्म तिथि पे हर तीसरे दिसंबर के में 1969 से ये व्याख्यानमाला करता आ रहा है। इसमें विविध स्पीकर्स जिसमें जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर चंद्रशेखर जी से लेकर
वीपी सिंह से लेकर योगी आदित्यनाथ ऐसे इत्यादि अनेक महानुभावों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और आज हमें माननीय जगदीप धनखड़ जी के विचार सुनने का अवसर प्राप्त होगा। जो ये टॉपिक है ये बड़ा सार्थक है, आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत का अभ्युदय। और इसी श्रृंखला में आप सबको ज्ञात होगा कि 15 नवंबर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा खूंटी जिले में झारखंड के वहाँ पर उसका लॉन्च किया था। और ये पहली बार ऐसा कोई प्रकल्प हाथ में सूचना प्रसारण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय व विविध मंत्रालयों ने हाथ में लिया है, जिसमें 100% सेचुरेशन की बात कही जा रही है। देश के 2.7 लाख ग्राम पंचायतों में सूचना प्रसारण द्वारा तैयार किए गए वैन जाएंगे, 4,400 अर्बन लोकल बॉडीज में अगले 2 महीने में ये वैन जाएंगे। और इसका उद्देश्य ये है कि 100% सेचुरेशन की जो स्कीम्स जो हम लोग जो माननीय प्रधानमंत्री जी का और सरकार का जो स्वप्न है कि देश में कोई वंचित ना रहे, हर एक को सब स्कीम्स का पूरी तरह से फायदा प्राप्त हो सके, और अगर आज कोई वंचित है तो उन्हें इन योजनाओं का पता चले, वो जाने कि और लोगों को कैसे इन योजनाओं का लाभ मिला है, किस तरह से इन योजनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। और भारत को जो हमें डेवलप्ड नेशन 2047 तक बनाने का जो हमें हमारा संकल्प है उसमें सब लोग सहभागी हों, पूरे देश के लोग सहभागी होकर ये संकल्प लें कि हमारा संकल्प विकसित भारत है। और इसी श्रृंखला में मैं माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति जी का आज स्वागत करता हूं कि वो अपने मनोगत देके इस संकल्प को आगे बढ़ाने में कैसे हम योगदान दे सकते हैं, इस पर हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय पूर्णचंद्र जी का। देवी सज्जनों, बीते 9 वर्षों में दुनिया ने भारत की क्षमता को और इसकी सामर्थ्य को बहुत अच्छी तरह देखा है, उसे स्वीकार भी किया है और उससे लाभान्वित भी हुई है। आर्थिक शक्ति के रूप में भी वैश्विक पटल पर भारत को एक पहचान मिल रही है, सशक्त भारत के रूप में, और उसे सम्मान भी मिल रहा है। आज आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का अभ्युदय विषय पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यानमाला के अंतर्गत अपने विचार, अपना व्याख्यान यहाँ रखने के लिए हम सबके बीच माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का शुभागमन हुआ है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय की प्रतिष्ठा एक बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान के रूप में, कानूनविद के रूप में और प्रशासक के रूप में है। आइए आप सबकी करतल ध्वनि के साथ माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से निवेदन करें, आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, कि वे आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत अपना व्याख्यान रखें, आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत का अभ्युदय। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय श्री अपूर्व चंद्र जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसार भारती श्री गौरव द्विवेदी जी, प्रधान महानिदेशक आकाशवाणी श्रीमती वसुधा गुप्ता जी, सभी गणमान्य उपस्थित। सबसे पहले मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नमन करता हूँ, देश के प्रथम राष्ट्रपति, भारत रत्न, पर उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत की विधायिका को मजबूत करने का रहा है। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में 3 वर्ष तक आपने ऐसा संचालन किया कि हर सभा संविधान सभा का सदस्य अपनी प्रतिभा को दिखा पाया। जटिल समस्याएं थी, मत विभाजित था, अलग अलग दृष्टिकोण थे, फिर भी आपने 3 साल तक ऐसा संचालन किया कि हमें एक अद्भुत संविधान मिला। 3 साल के कार्यकाल में संविधान सभा में कोई व्यवधान नहीं हुआ, सार्थक चर्चा रही, व्यवधान लेश मात्र था, सहमति आधार था। इस मंच से उनसे प्रेरणा लेकर
मैं विधायिका के सभी सदस्यों को आह्वान करता हूं कि हमें संविधान सभा में जो आचरण हुआ उसकी अनुपालना करनी चाहिए। ये हमारे देश के लिए और विश्व के लिए लाभकारी साबित होगा। आज का विषय आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदय को समझने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटकर थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर मैंने वो काल देखा है। लोकसभा का सदस्य रहते हुए, केंद्र में मंत्री रहते हुए, कि सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश ने अपना सोना विदेशी बैंकों में इसलिए गिरवी रखा कि हम हमारी साख बचा पाएं। ये बात है 90 के दशक की शुरुआत में। हमें जानना पड़ेगा कि इस प्रकार के हालात क्यों पैदा हुए और जो सफर हमने अब तक तय किया है, जो बड़ा मुश्किल था, अकल्पनीय था, सोच के परे था, वो आज जमीनी हकीकत कैसे हुआ। एक दशक पहले भारत की अर्थव्यवस्था अत्यंत चिंताजनक अवस्था में थी। भारत को दुनिया के फ्रजाइल 5 देशों में माना जाता था। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारत, जहां विश्व की 1/6 आबादी रहती है, वो दुनिया पर एक बोझ था। दुनिया के देश चिंतित थे कि भारत फ्रजाइल 5 से कैसे ऊपर आए। ये मात्र एक दशक पहले की बात है और आज का नतीजा यह है कि हमने यूके को और फ्रांस को पीछे छोड़कर 2022 में एक महारत हासिल किया और भारत दुनिया की 5वीं बड़ी महाशक्ति बना। ये सब 140 करोड़ देशवासियों की कड़ी मेहनत और कुशल नेतृत्व का परिणाम है। इस दशक के अंत तक, 2030 तक, भारत विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति बनेगा अर्थव्यवस्था में। आज का भारत बदला हुआ भारत है। मैंने अपने युवा काल में और 90 के दशक में सांसद काल में, मंत्री काल में सपना भी नहीं देखा, हिम्मत नहीं कर पाता था, सोच नहीं पाता था जो आज जमीनी हकीकत है। आज भारत कई नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज का भारत चंद्रमा के दक्षिण छोर पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। भारत ने चांद पर अमिट छाप छोड़ी है, तिरंगा और शिव शक्ति पॉइंट। ये भारत की सफलता का एक संकेत है। अगर आधारभूत ढांचे के निर्माण की बात करें तो भारतीय उपलब्धियां जैसे चिनाब पुल का निर्माण, जो कि विश्व में सबसे ऊंचा रेल पुल है, हमारी अक्षमता और अभियांत्रिक दक्षता को दर्शाता है। यदि अगर हम डिजिटल पेनिट्रेशन की बात करें, डिजिटल पेमेंट की बात करें, तो हमारी उपलब्धियों को देखकर दुनिया अचंभित है। आपको बहुत बड़ा संतोष होगा कि 2022 में भारत के डिजिटल ट्रांजैक्शंस की जो अक्षमता है, वो यूएस, यूके, फ्रांस और जर्मनी से 4 गुना ज्यादा है। कभी सोचा नहीं था किसी ने कि भारत की उपलब्धि इन देशों के बराबर होगी। 4 मिल गए
उसको 4 गुना कर दें तो भी वो हमसे पीछे हैं। ये वो भारत है जो अपने अतीत में जो था उस ओर अग्रसर है। हम इंटरनेट कंजम्पशन की बात करें तो दुनिया आश्चर्यचकित है। वो समझते थे कि भारत में शिक्षा का प्रसार ज्यादा नहीं है, पर जब इंटरनेट कंजम्पशन की बात की, प्रति व्यक्ति कंजम्पशन की बात की, तो पता लगा कि हमारी उपलब्धि चीन और यूएसए से ज्यादा है। और चीन और यूएसए को मिला लो तो भी उनसे ज्यादा है। आत्मचिंतन करें, इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? इस बदलाव की शुरुआत हुई 2014 में। मैं राजनीति पर संकेत नहीं कर रहा हूं, पर भारत जैसे विशाल देश में यदि अगर राजनीतिक स्थायित्व आता है तो लोगों की प्रतिभा सही दिशा के अंदर आगे बढ़ती है। 3 दशक के बाद 2014 में वो मौका आया जब भारत को एक मजबूत एक पार्टी की सरकार मिली। और नतीजा क्या हुआ? भारत में विकसित UPI आज कई देशों ने अपनाया है। आज भारत सिर्फ अनुसरण करने वाला नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर कई नए मापदंडों का निर्माण कर रहा है, जिसे संपूर्ण विश्व स्वीकार कर रहा है। फ्रेंड्स, इंडिया इज टुडे सेटलर ऑफ एजेंडा। दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि विषय पर भारत का सोच क्या है। एक जमाना था हम इंतजार करते थे कि किसी देश में तकनीकी का विकास होगा, हम इंतजार करेंगे वो देश हमें तकनीकी कब देगा। आज के हालात ये हैं कि भारत उन अग्रणी देशों में है जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के लिए अनुसंधान कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। देवियों और सज्जनों, आज के युग में बिना तकनीकी और औद्योगिक प्रगति के आर्थिक प्रगति संभव नहीं है। तकनीकी के क्षेत्र में कई नए आयाम जुड़े हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग। भारत इन सभी क्षेत्रों में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब तकनीकी प्रगति की बात हो रही है तो मैं रेडियो का भी जिक्र करना चाहूँगा। रेडियो के इतिहास में मन की बात संभवतः पहला कार्यक्रम है जो इतना नियमित, और इसने 107 एपिसोड का सफर पूरा कर लिया है। जब मैंने मन की बात के 100वें एपिसोड के कार्यक्रम में अपने आप को सम्मिलित किया, मैं आश्चर्यचकित हो गया। क्या कुछ मन की बात में नहीं हुआ, किन किन लोगों का लगाव रहा, जुड़ाव रहा, देश के प्रधानमंत्री ने किन किन लोगों के दिल को छुआ, किन किन लोगों के दिमाग को प्रभावित किया, वो सब हमारी प्रगति और अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बने। कई कार्यक्रमों में मैं गया और मुझे बहुत अच्छा लगा। अचानक एक लड़का लड़की आते हैं, मैंने मन की बात में प्रधानमंत्री जी से बात की थी, ये मेरी स्टॉल है। ये बहुत बड़ा कनेक्ट है। इसके लिए मैं भारत के रेडियो और इसके संस्थान को बहुत बधाई देता हूं। आपने भारत की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने का काम किया है कि देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री जो लगनशील रूप में भारत की प्रगति को आगे बढ़ा रहे हैं, आपने वो जनता तक पहुंचाया है। 3 अक्टूबर 2014 को जब इस लोकप्रिय कार्यक्रम की शुरुआत हुई, वह दौर इंटरनेट, डिजिटल क्रांति और सोशल मीडिया के उफान का था। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की सोच कितनी गहरी है कि उन्होंने रेडियो का प्लेटफॉर्म चुना। रेडियो को एक तरीके से न्यू लीज ऑफ लाइफ मिली। रेडियो को हम देखते थे ऊंट की गर्दन में,
पेड़ के ऊपर बैल के सिंग पर, और किसान और गांव का आदमी आनंद लेता था। मन की बात ने रेडियो को एक नए आयाम पर पहुंचा दिया है। आज मन की बात देश के जन की बात बन गई है और लोगों तक सार्थक तरीके से पहुंच रही है। मन की बात में प्रधानमंत्री अब तक 700 से अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों और लगभग 270 संगठनों का उल्लेख कर चुके हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों और संगठनों ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में बड़ा काम किया है। सकारात्मकता का संचार जो मन की बात ने रेडियो के माध्यम से किया है वो एक इतिहास में रचित रह गया है। दिस इज द मोस्ट इम्पैक्टफुल ट्रांसफॉर्मेशनल रिवोल्यूशन इन द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट, होम टू 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता की वजह से रेडियो के श्रोताओं की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर 22 भारतीय भाषाओं, 29 बोलियों और 11 विदेशी भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है। मौजूदा सरकारों के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज भारत में विश्व में तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभरा है। भारत के युवाओं का कौशल है और प्रतिभा है और इसका लोहा पूरे विश्व ने माना है। फ्रेंड्स, व्हेन वी कम टू यूनिकॉर्न्स, India's position in the world is one. We are at number one. आप थोड़ा सा आत्मचिंतन करेंगे कि हमने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की, अर्थव्यवस्था आगे क्यों बढ़ रही है। इसका एक मूल कारण है शासन व्यवस्था में ऐसा बदलाव जिसने सभी को उत्साह के मोड में डाल दिया। एक जमाना था सरकारी दफ्तरों में दलालों का बोलबाला था, भ्रष्टाचार हमारे पृष्ठभूमि में फंस गया था। बिना भ्रष्टाचार से समझौता किए हुए कोई निर्णय नहीं हो सकता था। पावर कॉरिडोर्स वर इन्फेस्टेड बाय लाइज एंड एजेंट्स, पावर ब्रोकर्स हु एक्स्ट्रा लीगली लीवरेज डिसीजन मेकिंग। पर ऐसा बदलाव आया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और आज के दिन सरकारी तंत्र पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त है और भारत की जो शासकीय व्यवस्था है जिसमें अधिकारी रीढ़ की हड्डी हैं, उन अधिकारियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है और मैं उनको धन्यवाद देता हूं। वो साधुवाद के पात्र हैं कि उनकी योग्यता का फायदा भारत के जनमानस को मिल रहा है। पिछले कुछ वर्ष में सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था ही नहीं, उसका वैश्विक सम्मान और वैश्विक साख भी कई गुना बढ़ी है। ये मैं समझता हूं कि विवाद का विषय रहा ही नहीं। भारत की आवाज दुनिया के परिप्रेक्ष्य में सुनी जाती है। भारत का किस मुद्दे पर क्या मत है, हर कोई उस ओर देखता है। भारत का प्रधानमंत्री विश्व के शिखर नेताओं में एक है। भारत का हर निर्णय राजनीति में हो चाहे कूटनीति में हो, भारत के हित को देखकर होता है। आज भारत मजबूर भारत नहीं है, आज भारत मजबूत भारत है। मेरे पद के कारण मैं राजनीति में भागीदार नहीं हूं। आई एम नॉट अ स्टेक होल्डर इन पॉलिटिक्स, बट आई एम प्राउड सिटीजन ऑफ भारत। आई विल नॉट हेजिटेट टू टेक प्राइड इन इट्स फिनोमिनल राइज इफ आई अप्रिशिएट द लीडरशिप of the Prime Minister, if I appreciate the executive of the country, I do it because I don't want to shut my eyes from ground reality. They have performed outstandingly.
ये सब मुमकिन करने में भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, जो भी लोग यहाँ बैठे हैं संचार व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, पूरी तरह से जानकार हैं। दुनिया के नेताओं ने जब मुझे कहा कि भारत ने G20 का जो आयोजन किया है, ऐसा आयोजन शायद कोई भविष्य में नहीं कर पाए, देश के अंदर हर प्रांत में, हर यूनियन टेरिटरी में G20 का कार्यक्रम हुआ है। 60 लोकेशंस एंड 200 इंटरेक्शंस। जो लोग विदेश से आए उन्होंने भारत की 5000 साल पुरानी प्राचीन व्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत और यहाँ के जनमानस की योग्यता को खुली आंखों से देखा। मुझे बहुत अच्छा लगा जब युवा साथी भी आए और मेरी उनसे चर्चा हुई। कुछ ने भाविक होकर कहा, मन करता है हम सदा भारत में ही रहें। ये कितना बड़ा संतोष का विषय है। G20 की जो उपलब्धि है वो अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत मजबूत है। G20 में वो कुछ हासिल हुआ जिसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता था। G20 में मित्रों, यूरोपियन यूनियन एक सदस्य है। उस G20 में भारत के प्रधानमंत्री की सोच की वजह से अफ्रीकन यूनियन एक परमानेंट सदस्य बना। ये कितनी बड़ी समानता विश्व के अंदर हुई है इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। व्यापारिक दृष्टि से तो नया कॉरिडोर चालू किया गया, भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप। पुराने जमाने में था, उसको जीवित कर दिया गया। ये भारत की उपलब्धि है। दुनिया सोच रही थी कि क्या G20 में दिल्ली डिक्लेरेशन आम राय से बन पाएगा। आम राय से बना, क्योंकि हमारी प्राचीन सभ्यता का यह मूल मंत्र है जो हमने विश्व को दिया है और विश्व ने उसको अपनाया है। अर्थव्यवस्था का लगाव सबसे ज्यादा इस बात से होता है कि क्या देश का हर नागरिक, हर नवयुवक, हर नवयुवती अपनी प्रतिभा को दिखा सकती है। देयर इज एन इको सिस्टम नाउ इन प्लेस वेयर एवरी यंग माइंड कैन अनलिश हिज और हर एनर्जी, फुल्ली एक्सप्लोइट पोटेंशियल एंड टैलेंट, रियलाइज ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस। ये लेवल प्लेइंग फील्ड इज द ग्रेटेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। कभी सोचा नहीं था और कुछ लोग इस भ्रम में इतने हो गए थे कि हम कानून से ऊपर हैं। ये भ्रम टूट गया है, ये भ्रम चकनाचूर हो गया है, क्योंकि प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि कानून सर्वोपरि है। प्रजातंत्र कायम नहीं रह सकता यदि अगर कोई अपने आप को कानून से ऊपर मानता है। हर देश के नागरिक का आज उत्तरदायित्व है कि वो इस बात को आगे तब बढ़ाएगा जब प्रश्न पूछेगा कि आपको न्यायालय से नोटिस मिला है तो आप सड़क पर क्यों हैं, आप न्यायालय में क्यों नहीं हैं। ये आपके सोचने की बात है। मेरे जीवन का वो काल, वो दिन मैं भूल नहीं सकता, और वो था 20 और 21 सितंबर 2023। 3 दशक तक प्रयास होते रहे कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण मिले। सार्थक प्रयास हुए पर सफल नहीं हो पाए। वर्तमान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनके प्रयासों की वजह से सब एक मत के हुए,
और भारत की संसद ने दुनिया के लिए एक प्रमाण प्रस्तुत किया और इतिहास रचित किया। अब देश के संविधान के तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में एक तिहाई प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा और अर्थव्यवस्था और भी ज़्यादा छलांग लगाएगी कि जब भारत 2047 में अपने आज़ादी का महापर्व मना रहा होगा, सेंटिनियल सेलिब्रेशंस होंगे, भारत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश होंगे, ऊपर होगा, विल बी विश्व गुरु। दोस्तों, एक चिंता का विषय भी है, आपके लिए चिंतन का है और सबके लिए मंथन का है। जब एक जानकार व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति आम जन को इसलिए भ्रमित करना चाहता है कि आम जन को उसकी जानकारी नहीं है और उसका उद्देश्य है कि मैं कुछ राजनीतिक फायदा कर लूं, ये घृणित करते हैं, घृणित करते हैं। दोज हु सीक टू मोनिटाइज, दोज इन्फॉर्म्ड माइंड्स हु हैड गुड रोल इन गवर्नेंस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, इफ दे सीक टू एक्सप्लॉइट इग्नोरेंस ऑफ द पीपल टू जनरेट देयर पॉलिटिकल इक्विटी इज शेमफुल। कल का दिन ही लीजिए, हमारी अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ पिछले क्वार्टर में हुआ है 7.6%, पूरी दुनिया सराह रही है, पर इस ग्रोथ के ऊपर एक जानकार व्यक्ति ने कुछ अरसे पहले क्या कहा था, फ्रेंड्स, व्हेन अ नेशन इज ऑन द राइज एंड द राइज इज अनस्टॉपेबल, देर आर बाउंड टू बी चैलेंजेस फ्रॉम विद इन एंड विदाउट। आप सबसे मैं आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, इस प्रकार की साजिशें, इस प्रकार के कुकृत्य, इनका पर्दाफाश होना चाहिए। संचार व्यवस्था का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और मैं मानकर चलता हूं कि हर भारतीय भारतीयता में अटूट विश्वास रखेगा, भारत का सच्चा नागरिक रहेगा, भारत के हित को सदा सर्वोपरि रखेगा और जो भी भारत की मर्यादा को कलंकित करने का प्रयास करेगा देश में या विदेश में, उस प्रयास को हम पूरी तरह से विफल करेंगे। आज के दिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हर देश के उत्थान में आर्थिक नेशनलिज्म, इकोनॉमिक नेशनलिज्म बहुत जरूरी है। वी हैव टू सेंसिटाइज एंड एनलाइटन आवर पीपल। हम विदेशों से क्या चीजें मंगाते हैं, कैंडल, दिए, पतंग, फर्नीचर, कर्टेन, इसलिए कि वहां कुछ सस्ते मिलते हैं। वी कैन नॉट कंप्रोमाइज आवर इकोनॉमिक नेशनलिज्म फॉर फिस्कल गेन। मैं आपके माध्यम से हर भारतीय को आह्वान करूंगा, आई विल अपील टू ट्रेड इंडस्ट्री एंड बिजनेस, दे मस्ट बिलीव एंड सब्सक्राइब टू इकोनॉमिक नेशनलिज्म। भारत की राजनीति का जो ये दौर चल रहा है कि हर परिस्थिति में हम विश्व पटल पर सबसे आगे रहें, उसके लिए जरूरी है कि हमारी अर्थव्यवस्था पूरी मददगार हो। Our economy will get quantum jump the moment we start subscribing to the enlightened idea of economic nationalism. और मैं समझता हूँ ये विचार हर भारतीय फैला सकता है, हर किसी के लिए इसके दूरगामी परिणाम होंगे। कुछ देशों के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन तक है, उसमें कितना बदलाव आ सकता है ये मेरे से ज्यादा आप जानते हैं।
एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जिस संचार माध्यम से मैं आज बोल रहा हूँ उस संचार माध्यम की पहुँच बहुत दूर तक है। हमारे देश का रॉ मटेरियल जब बाहर जाता है तो मन में बड़ी पीड़ा होती है, सामने दिखता है, क्या हम इसमें वैल्यू ऐड नहीं कर सकते? दूसरा देश जो कर सकता हम क्यों नहीं कर सकते? When we will add value to our raw material, there will be employment, there will be blossoming of entrepreneurship, जो economic nationalism में होगी, दोनों में होगी। आज के दिन हमको सबसे पहले अपने देश की सोचनी है, फिर हमारे आर्थिक लाभ की सोचनी है। पर किसी भी परिस्थिति में आर्थिक लाभ के लिए देश हित को तिलांजलि नहीं दी जा सकती। ये हमारे देश की मूल भावना रहनी चाहिए और हमारी अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार होना चाहिए। दोस्तों, दुनिया के वो कौन से देश हैं जो सांस्कृतिक विरासत में हमारा मुकाबला कर सकते हैं? पर हमने रास्ता छोड़ दिया था। गत दशक में हमने रास्ता वापस पकड़ लिया है। यूनाइटेड नेशंस में प्रधानमंत्री ने जाकर दुनिया को बताया कि हमारे वेदों में जो योग के बारे में कहा गया है, योग स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसको दुनिया अपनाए। इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर हुआ। आज योग डे पर और अन्यथा भी दुनिया के हर कोने में मनाया जाता है और भारत की पहचान प्रकाष्ठा पर पहुंच गई जब पिछले योग दिवस के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशंस के प्रांगण में योग किया और दुनिया का हर देश का प्रतिनिधित्व वहां था। दुनिया के सामने चुनौती बहुत है, वो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। क्लाइमेट चेंज उनमें एक है, भयानक है। रेकलेस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दूसरा है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर है जिसको गांधी जी ने पूरी तरह दुनिया को बताया कि इस प्लेनेट पर हर व्यक्ति की आवश्यकता के लिए सब कुछ है। दिस प्लेनेट हैज एवरीथिंग फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर ग्रीड। हमें एक बात का संचार करना होगा, विश्वास व्यक्त करना होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज के कंजम्पशन में, उनके उपभोग में, हम ये नहीं कह सकते कि मेरे पास आर्थिक ताकत है, मेरी जेब मजबूत है, तो मैं चाहे जितना पानी का, चाहे जितने पेट्रोल का, चाहे जितने गैस का उपयोग करूंगा। ये संभव नहीं है। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज फंडामेंटल बिकॉज वी आर ट्रस्टीज ऑफ इट। भारत ने दुनिया को एक नया रास्ता इस बारे में दिखाया है जो एक अत्यंत कारगर साबित हो रहा है। हमने कहा कि हम तो विश्व को एक कुटुंब मानते हैं, वासुदेव कुटुंबकम। G20 का मोटो भी यही है। पर कड़ी से कड़ी परिस्थिति में खुद पीड़ा सहनते हुए भारत ने दुनिया के सामने इसका श्रेष्ठ उदाहरण रखा है। जब कोविड की चपेट में पूरी दुनिया थी और हम भी थे, भारत ने सिर्फ अपने 130 से ज्यादा करोड़ लोगों का ध्यान नहीं दिया, दुनिया के 100 से ज्यादा देशों तक भी बात पहुंचाई। उन देशों के लोग, उन देशों के का नेतृत्व जो मुझे कहता है, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट, वी आर ग्रेटली ऑब्लिगेटेड टू इंडिया फॉर मेकिंग अवेलेबल टू अस कोवैक्सीन व्हाइल इंडिया इटसेल्फ वाज फेसिंग अ चैलेंज।
ये भारत की संस्कृति और आर्थिक व्यवस्था का मूल मंत्र है कि हम अब अपने पुराने रास्ते पर चल पड़े हैं और हमारे जो अमृत सरोवर हैं इसको मिशन मोड के अंदर हमने चालू किया है, वरना हम भटक गए थे। गांव की तो ये जीवन रेखा है, अब उनको वापस जीवित किया जा रहा है जो आगे तक कारगर साबित होगा। भारत विश्व गुरु था, ये इतिहास। भारत विश्व गुरु के रास्ते पर अब चल रहा है, ये हकीकत है। भारत 2047 में विश्व गुरु बनेगा, ये हमारा सोच है, जो निश्चित रूप से आप लोगों के प्रयास से, नवयुगों के प्रयास से सार्थक होगा। देश के युवाओं को मैं खास तौर से कहना चाहूंगा, हमारे सामने चुनौतियां थी, अवसर नहीं थे, हमारा आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। पढ़ाई के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, हमें स्कॉलरशिप मिल गई तो हमें अच्छी शिक्षा मिल गई, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, सड़क नहीं थी। आज देखिए आज का भारत, गांव के अंदर भी आपको ये सब सुविधाएं मिलेंगी, जो एक नया कंसेप्ट है, जिसको आप समझिए, लोगों को समझाइए। स्मार्ट सिटीज, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ये बहुत दूरगामी सोच है। ये आखिरी स्थान पर जो व्यक्ति बैठा है उसको ऊपर उठाने वाला है। कहते हैं अर्थव्यवस्था देश की क्यों बढ़ी, क्योंकि एक व्यक्ति ने सोचा कि देश के हर घर में टॉयलेट होना चाहिए। लोगों को पहले ये छोटी बात लगी, आज के दिन ये हकीकत है। एक व्यक्ति ने सोचा कि माताएं और बहनें आंखों से आंसू बहाती हैं क्योंकि उनको गैस उपलब्ध नहीं है। एक व्यक्ति ने महसूस किया कि सरकारी तंत्र का फायदा बिना बिचौलियों के तभी मिल सकता है जब बैंकिंग इंक्लूजन हो। नतीजा, हमने देश की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग इंक्लूजन एक्सप्लोजन का भारी योगदान देखा है। कौन कल्पना कर सकता था कुछ समय पहले कि ऐसी अर्थव्यवस्था होगी कि देश के 11 करोड़ किसानों तक साल में 3 बार सरकारी धन पहुंचेगा। यह धन 2,70,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुका है। इसकी उपलब्धता इस बात में नहीं है कि सरकारी तंत्र मजबूत है, इसकी उपलब्धता इस बात में है कि सरकारी तंत्र ने किसान को इतना मजबूत कर दिया है कि किसान सीधा बिना बिचौलिए के अपने अकाउंट में आपकी सहायता प्रदान करने को तैयार है। यह बदलता हुआ भारत है जो आज हम देख रहे हैं। इसलिए मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, आज अवसरों की कोई कमी नहीं है। मौजूदा समय में भ्रष्टाचार और वंशवाद का कोई मायना नहीं है, आपके आड़े ये नहीं आ सकते हैं। आपको सिर्फ सोचने की आवश्यकता है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा, यू आर द वन हु कैन टेक ग्रेट बेनिफिट आउट ऑफ द पोटेंशियल जनरेटेड बाय डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, क्वांटम कंप्यूटिंग, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। आप यदि सोचेंगे तो आने वाले 8-10 साल के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की वजह से 5-6 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट होगा, एंड इट विल एड वैल्यू टू द इकोनॉमी टू द एक्सटेंट ऑफ 7-8 लाख करोड़। इसका फायदा आप उठा सकते हैं। आज के दिन आपको अपने पाथ पर अग्रसर होने के लिए पीछे इसलिए नहीं देखना है
कि मेरे परिजन क्या करते थे, मैं किनका बेटा हूं, कौन से आर्थिक पहलू पर हमारी पकड़ है। दीज आर इनोवेटिव आइडियाज, यू कैन एंगेज इन देम। दुनिया ने कर दिखाया, पर अब भारत इनमें सबसे ज्यादा आगे है। आप यूनिकॉर्न्स की बात करेंगे, स्टार्टअप्स की करेंगे, वो सब नए बच्चों ने किया है। अंत में आप सबसे विनम्र आग्रह करना चाहूंगा, अपने देश पर, देश की महान उपलब्धियों पर गर्व कीजिए। विश्व शक्ति के रूप में भारत का उदय निश्चित है, ये होकर रहेगा। हम इस पर अग्रसर हैं, तीव्र गति से अग्रसर हैं, और दुनिया ने भारत के लोहे को पहचान लिया है। आज के दिन जो डिजर्व करता है उसके लिए कोई बाधा नहीं है, व्यवस्था उसके लिए सकारात्मक रास्ता तैयार कर चुकी है। जो योग्य है अंततः है उसको हक मिलकर रहेगा। इसी के साथ मैं सचिव अपूर्व जी को, उनके सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं कि एक ऐसे महान पुरुष की याद में, स्मृति में जो व्याख्यान है, उस अवसर पर आपने मुझे दुनिया के 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी वाले देश में, सबसे पुराने प्रजातंत्र में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी में, मेरे विचार इस माध्यम से साझा करने का अवसर दिया कि मेरे विचार देश के हर व्यक्ति के पास रेडियो के माध्यम से पहुंचेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। दिव्य सज्जनों, आइए हम सब खड़े होकर आभार व्यक्त करें माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का आपके करतल ध्वनि के साथ, और उनका वंदन अभिनंदन उनके विचारों के लिए। आज विश्वविद्यालय के बहुत सारे युवा साथी और देश और दुनिया भर में सजीव प्रसारण के माध्यम से ये बात पहुंची है। कार्यक्रम के आखिर में मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े रहते हुए राष्ट्रगान में शामिल हों। आप सभी से निवेदन है, आइए हम राष्ट्रगान में शामिल हों। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत आभार। इसके साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान 2023 का यह आयोजन यहीं संपन्न होता है।